हाय गाइस, अभी आईटीसी का हमने जो स्टे बुक किया था वो हमारा फर्स्ट है दैट वी बुक यूजिंग पॉइंट्स। तो कैसे बुक किया और आप भी कैसे कर सकते हो कि ये पॉइंट्स कलेक्ट करके कैसे ये स्टे आपके लिए भी फ्री हो सकता है। अगर आपको भी ये जानना है तो वीडियो के एंड तक देखो। इधर होटल के बाहर ही मैकलेरन का लगाया है शोरूम जैसा सेटअप। पागल को नहीं अच्छी लगी गाड़ी? प्रिटी ऐसा कुछ नहीं है, इट्स वेरी प्रिटी। भाई, स्पोर्ट्स कार को प्रिटी बोल दिया। ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए थे लोइंगे। उसके बाद किधर जा रहे हैं? उसके बाद इधर से मॉल जाएंगे, कुछ खाना पीना करेंगे। अभी अभी रूम साफ करवाया है, पावल ने बहुत खराब कर दिया था रूम। आजा दिखाता हूँ। अच्छा, ग्लास बाथरूम बहुत ही अच्छा है, बाथटब वगैरह भी है। इधर शार बड़ा है वो भी, और अपना बाथरूम। वार्डरोब तुमको नहीं दिखा सकता क्योंकि पारुल ने जैसे रूम की हालत की थी वैसे वार्डरोब की भी हालत कर दी है, और वो बेचारे लोग वो थोड़ी ना साफ कर सकते। रूम देखो, रूम रूम भी बहुत बड़ा है। हमने फिर भी बेसिक वाला ही रूम लिया क्योंकि प्रेसिडेंशियल सूट वगैरह तो बहुत ही एक्सपेंसिव था, तो बाकी के स्वीट कितने बड़े रहेंगे सोच ही सकते हैं। रूम बेसिक रूम इतना बड़ा है। और यहां से लेक व्यू भी दिखता, तो लेक दिखाता हूं। देखो नीचे मेन रोड और उधर पूरा लेक। अभी पारुल का थोड़ा शो ऑफ दिखाता हूं तुमको, बहुत शो ऑफ करने को बैठी। ये क्या कर रही है दोस्त आईपैड के साथ? ये आईपैड से यू कैन कंट्रोल पूरे रूम के लाइट्स। वो वाला लाइट बंद करके दिखा, वो वाला। हाँ, और रूम के बारे में क्या है आपका रिव्यू? रूम एक्चुअली काफी कंफर्टेबल है, काफी बड़ा भी है। वन थिंग दैट आई रियली लाइक्ड इज दैट इंस्टेड ऑफ गिविंग प्लास्टिक वाटर बॉटल्स दे हैव ग्लास वाटर बॉटल्स, सो दैट्स मोर सस्टेनेबल। वो बहुत ही अच्छी चीज़ थी। उसके अलावा रूम के अंदर तो कुछ गर्मी का पता नहीं चलता है, ऑब्वियसली एयर कंडीशन है, बट या वन ऑफ द मोस्ट लग्जूरियस स्टेज दैट वी स्टेड इन। और वो लाइट्स वापस चालू कर दें। गाइस, स्विमिंग पूल दिखाने के पहले बताना था कि ये स्टे हमने इस बार क्रेडिट कार्ड पॉइंट से बुक किया है। कौन सा क्रेडिट कार्ड यूज किया था और कैसे पॉइंट्स ट्रांसफर किए वो अपने को मैडम बताएंगी। नहीं, वो मुझे ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो ये वाला हमने पावल का अमेरिकन एक्सप्रेस प्लैटिनम ट्रैवल कार्ड यूज किया था, तो उससे हमने पॉइंट्स ट्रांसफर किए मैरियट बॉनवॉय के एप्लीकेशन में और वहां से फिर बुक कर दिया। तो बेसिकली पॉइंट्स ही यूज किए बुकिंग के लिए। और आपको भी अगर एक क्रेडिट कार्ड चाहिए तो फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर से अगर आप क्लिक करके कार्ड अप्लाई करते हो तो आपको फर्स्ट ईयर के लिए कोई फीस नहीं रहेगी, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। आपको 2000 पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और मेरे को भी 8000 पॉइंट्स मिल जाएंगे, तो और प्लस आपको एनुअल फी भी देनी नहीं पड़ेगी फर्स्ट ईयर के लिए। और कुछ बाकी तो कुछ नहीं, बट एक हाँ एक चीज़ थी, हम लोग जो अमेरिकन एक्सप्रेस यूज करना शुरू कर दिया एंड वी स्टार्टेड सेविंग अ लॉट ऑफ पॉइंट्स। We always used to be like, yeah, points use करके कहीं रुके या नहीं रुके, but इस बार हम लोग हैदराबाद आ रहे थे and we knew about this hotel. It's like very nice. It has a good reputation and the kind of luxury that we've not stayed in so far. So we were like, ठीक है, use कर लेते। We used majority of our points that we saved so far, but it was worth it. So, yeah.
और इतने महंगे होटल में नॉर्मली अपन कभी इतना पैसा भर के शायद इतना खर्चा नहीं करेंगे, इसलिए पॉइंट्स यूज हुए, इसलिए हम लोग भी ये स्टे किया। मस्त है, होटल बहुत ही भारी है। और ये फिर भी बेसिक रूम है, पर तुम इसका प्रेसिडेंशियल स्वीट वगैरह भी अगर देखोगे तो एकदम पागल ही हो जाएगा आदमी। I mean, in a way, actually this stay is free only because basically what you've done is जितने भी expenses थे उसके basis पे you got your points and normally otherwise whatever money you would have paid you've not done that, you've used your savings, sorry, you've used your expenses के ऊपर के points to book this, so it's a pretty cool feeling. अभी भी वो absorb नहीं हुआ है कि पूरा free है actually stay, so.